दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि रशिया और ओपेक प्लस देश मिलकर क्रूड ऑयल की प्राइस को बढ़ाने के लिए जमाने भर के धतकर्म अपना रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने प्रोडक्शन में कट तक लगा दिया, ताकि तेल के क्राइसिस वैसे ही दुनिया भर में है। क्रूड ऑयल में प्रोडक्शन कट लगा देने के बाद ये क्राइसिस और बढ़ेंगे, जिससे क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी और इनके मुनाफे बढ़ेंगे। अब इसको लेकर भारत, अमेरिका सहित पूरी दुनिया ने काफी प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश भी की, लेकिन ओपेक प्लस नहीं माना और प्रोडक्शन कट इन लोगों ने लगा दिया। इनके पास मौके दो तीन तीन थे। एक तो ये कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, रशियन क्रूड ऑयल को ज्यादा देश नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मिडिल ईस्टर्न देश की तरफ ज्यादातर देशों का रुख था। इसके साथ साथ दो बड़े ऑयल के प्रोड्यूसर्स ईरान और वेनेजुएला रेस से बाहर हैं, उनका तेल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आ ही नहीं पा रहा है। मैं आपको अकेले वेनेजुएला की बात बताऊं तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है वो देश, यानी उसके पास कैपेबिलिटीज इतनी है, सबसे ज्यादा तेल के रिजर्व वेनेजुएला के पास ही है, जो कि लैटिन अमेरिका का एक देश है। लेकिन आज से ठीक 3 साल पहले अमेरिका द्वारा उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अभी 2-4 दिनों पहले मैंने आपको एक खबर बनाकर दी थी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन ये किया था कि देखिए चाइना काफी स्मार्टली वेनेजुएला से और ईरान से सैंक्शंस को बाईपास करते हुए तेल खरीद रहा है, और ये तेल की खरीद उसने इतनी ज्यादा कर दी है कि पिछले 4-5 साल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। कारण ये है कि उसे लगभग $20 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट मिल रहा है, और इसके लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मलेशिया को। मलेशिया के तेल को थोड़ा बहुत मिक्स करके उस मिश्रण को चाइना के जो स्वतंत्र रिफाइनर्स हैं वो लोग बड़ी आसानी से खरीद पा रहे हैं, और छोटा छोटा करके एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में वेनेजुएला और ईरानी तेल ये लोग खरीदते जा रहे हैं। इवन ईरान ने भी पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ऑयल को एक्सपोर्ट करने के मामले में, क्योंकि चाइना को वो लोग काफी बड़ी मात्रा में अपना तेल डिस्काउंटेड रेट पर बेच रहे हैं। हालांकि इससे सीधा सीधा नुकसान रशिया को था, क्योंकि चाइना भी भारत की तरह बड़ा तेल का इंपोर्टर देश था और रशिया से वो काफी बड़ी क्वांटिटी में तेल खरीद भी रहा था। लेकिन चूंकि रशिया ने डिस्काउंट कम कर दिया, इधर से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए चाइना ने गेम करा। अब ये सारे ऑफर्स भारत के पास भी थे। भारत को भी दुबई के अंदर कुछ व्यापारियों ने इस बात को लेकर ऑफर दिया था कि आप भी मलेशिया के मिश्रण वाला तेल खरीदिए जो कि ईरानी तेल होगा, आपको $20 के लगभग डिस्काउंट दिया जाएगा, जितना चाहे आप उतना खरीद सकते हैं सैंक्शंस को बाईपास करते हुए। लेकिन हम लोग परिस्थितियों को समझ सकते हैं। इस समय ईरान इनडायरेक्ट वे में इसराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है, अमेरिका के साथ भी लड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में ईरान का तेल खरीदना हमारे इन दोस्तों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में ईरान को आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा मदद मिल सकती है और ईरान इन्हीं पैसों का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसराइल वगैरह का फायदा तो देख लिया, लेकिन हमारे फायदे का क्या? हमारा फायदा तो अभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी हम लोग वही $4-5 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट रशिया से ले रहे हैं और उससे तेल खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों इससे भी अब फाइनली निजात मिलने जा रही है और भारत को भी अब बड़ा फायदा क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर होने जा रहा है। आपको याद होगा मैंने कुछ ही दिन पहले आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्या कारण थे कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए और किन कारणों की वजह से उसे अस्थायी तौर पर प्रतिबंधों में छूट दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेनेजुएला को अगले 6 महीनों तक तेल का व्यापार कर लेने के लिए प्रतिबंधों से छूट मिली है, और ये छूट इसीलिए मिली है क्योंकि वैसी दुनिया के 2 अलग-अलग कोनों में युद्ध चल रहे हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें काफी ज्यादा हाई जा रही है, ओपेक प्लस द्वारा प्रोडक्शन में कट लगातार लगाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में वेनेजुएला का तेल लाना जरूरी था, ईरान का भी लाया जा सकता था अगर इसराइल और हमास के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा होता। तो अब भारत की तरफ से पहले ये कह दिया गया था कि हम लोग भी वेनेजुएला के साथ बातचीत कर रहे हैं और वेनेजुएला अगर हमें डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली हम लोग बड़ी खेप वेनेजुएला से मंगवाएंगे। वैसे भी आज से 3 साल पहले की अगर बात की जाए, जब वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे थे, तो वेनेजुएला भारत का 5वां सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का आपूर्तिकर्ता देश था और भारत की 2 प्राइवेट बड़ी रिफाइनरीज बहुत बड़े स्केल पर वेनेजुएला का तेल खरीदा करती थी, जिसमें एक तो नायरा थी और दूसरी थी रिलायंस। अब इसी संदर्भ में खबर निकल कर ये आ रही है कि वेनेजुएला से भारत की प्राइवेट रिफाइनरीज द्वारा तेल खरीदना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इकोसिस्टम पहले से ही बना हुआ था भारत के बीच में और वेनेजुएला के बीच में। तो इसका फायदा उठाते हुए रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा 3 शिप बुक कर दिए गए हैं और दिसंबर जनवरी में इनकी खेप भारत आ जाएगी, यानी लगभग 3 सालों के बाद वापस से भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक यहां पर डिस्काउंट वगैरह को लेकर कोई खबर बीच में नहीं आई है, लेकिन डेफिनेटली भारत के लिए वेनेजुएला के द्वारा डिस्काउंट ऑफर किया गया होगा।
वैसे भी समय की बात की जाए तो क्रूड ऑयल को लेकर एक विविधता हमें चाहिए थी, यानी किसी एक ही देश के भरोसे हम लोग नहीं बैठे रह सकते। दुनिया के अलग अलग जो क्रूड ऑयल के एक्सपोर्टर्स हैं उन सभी के साथ साझगांठ करनी जरूरी थी, तो ये एक तो वो मूव है और दूसरा ये कि भारत इस समय डीजल को भी काफी बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन को, तो इन सब के लिए एक बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल भारत को चाहिए और ऐसी परिस्थिति में जितने भी नए प्लेयर्स इस फील्ड में जुड़ते जाएंगे भारत के लिए अच्छा ही होगा। हालांकि इसराइल हमास का ये कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं हो रहा होता और इन परिस्थितियों से उभरने के लिए अमेरिका द्वारा ईरान से कुछ समय के लिए प्रतिबंध हटाए होते तो भारत को डेफिनेटली और ज्यादा फायदा होता, क्योंकि ईरान वेनेजुएला की तुलना में भारत से काफी चीजें इम्पोर्ट भी करता है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ईरानियन तेल को भारत तक लाने में ट्रांसपोर्ट भी हमें काफी ज्यादा बच जाता, क्योंकि वेनेजुएला काफी ज्यादा दूर है, ईरान पास है, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस मूव से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें वापस से $71-72 पर बैरल तक वापस से गिर जाएगी, तो बाकी सारे देशों को तो इन सब से फायदा ही होगा, लेकिन ओपेक प्लस देश और साथ ही रशिया, इन सब के लिए ये बहुत बुरी खबर हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।